हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश सर कॉन्सेप्ट में। मैट्रिक का एग्ज़ाम आज सोशल साइंस का एग्ज़ाम था, जिसमें सोशल साइंस का मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। कितने बच्चे ने कैसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए हैं, उसके आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक केंद्र है, तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक केंद्र है वो है जादूगोड़ा। दूसरा क्वेश्चन है कि चावल है, चावल पूछा गया कि इसमें कि चावल कौन सी फसल है, तो इसमें क्वेश्चन में पहले जो उत्तर है जो दिया हुआ है आपका खरीफ फसल, वो आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, तो कृषि पर जो आधारित नहीं है वो सीमेंट, वो आपका आंसर सीमेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुनामी कहाँ आती है, तो मैंने बताया था कि सुनामी जो है समुद्र के तल पे आता है, तो समुद्र में आती है यानी कि समुद्र, तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्र। निम्नलिखित में किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है, तो बिहार का जो शोक नदी कहा जाता है उसे कोसी नदी को कहा जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो वहाँ के जो शासन प्रणाली है वो है लोकतंत्र। अगला प्रश्न है कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो वो की गई थी 1995 में, 1 अप्रैल 1995 में, तो आपका आंसर 1 अप्रैल 1995 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया, तो यह अधिकार जो दिया गया वो था स्वतंत्रता का अधिकार, तो आपका आंसर स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो ये धर्म पर होता है, दो देश जब दो धर्म इसमें लड़ने लगते हैं तो सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, जिस तरह से कोई हिंदू या मुसलमान का अगर झगड़े हो जाते हैं तो इसको सांप्रदायिक दंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ये प्राथमिक ऊर्जा का जो उदाहरण नहीं है वो हमारा हो जाएगा विद्युत हो जाएगा, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एक प्रकार का प्राथमिक ऊर्जा है, तो यहाँ पर नहीं पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा विद्युत। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है, तो ये मैंने बताया था क्लास में कि नवीकरणीय जो होता है सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा इस प्रकार से जो है ये नवीकरणीय स्रोत होते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा नवीकरणीय। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई थी, तो मैंने इसको बताया था कि इसका जो हो जाएगा 1854 ईस्वी में हो जाएगा। सिख के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह जो थे बिहार के किस नगर में हुआ था, तो ये पटना में हुए थे, और ये इसीलिए यह गुरुद्वारा जो फेमस है पटना में इसी के नाम से फेमस है, इन्हीं के नाम पे, तो आपका आंसर सी हो जाएगा पटना। 15 नंबर क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जब जनरल डायर ने जो गोली चलवा दिया था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये। 16 नंबर क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति किसे सम्मिलित नहीं किया गया, है ना, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया, तो इसमें नियंत्रित अर्थव्यवस्था को नहीं किया गया, तो 16 का आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोलीविया ने संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो ये जो थे तो पानी की कीमत में वृद्धि जब हो गया था तो वहाँ पर यह संघर्ष लागू हो गया था, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था दांडी यात्रा जो हुआ था 1930 में, दांडी यात्रा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है, तो ये पटना में है। बहुत आसान प्रश्न आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च हो जाएगा।
अगला प्रश्न, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, तो ये गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो हुआ था एक जर्मनी में हुआ था, है ना। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, तो ये जो आपका आंसर है वो होगा व्यावसायिक बैंक। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। वेदों की ओर लौटो के नारा किसने दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती। आंसर सी। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन। वार एंड पीस की किसकी रचना है, तो ये लियो टॉलस्टॉय का आंसर है। तो आपका ये हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा जिमर मैन ने कहा था। तो ये आंसर आपका आंसर ए के साथ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1980 को। तो आपका आंसर 1980 हो जाएगा। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया, तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का स्थापना नरेंद्र मोदी ने किए थे। तो इसका आंसर नीति आयोग आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बीमारू राज्य है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं नीला ग्रह। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1952 में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, ये सब जानता है, ये आपका आंसर मोर हो जाएगा। पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ, तो ये राजस्थान में लागू हुआ। बहुत आसान प्रश्न। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो अंकोर वाट मंदिर का जो निर्माण करवाया था कंबोडिया में, वो सूर्यवर्मन बर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। राजनीतिक दलों के मान्यता और उन उसका चिन्ह किसके द्वारा किया जाता है, तो यह आपको किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला आखिरी चार प्रश्न बचे हुए हैं, और आपका आंसर जो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो लोकतंत्र की जो सफलता निर्भर करती है नागरिकों के विवेक पूर्ण सहभागिता पे। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, तो किसको कहेंगे, तो ये हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र था ये इसको कृषि क्षेत्र होता है, इसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। टीपू सुल्तान शासक थे, तो ये मैसूर के राजा थे, तो इसीलिए वहाँ के आंसर हो जाएगा आपका टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। किसने कहा था कि बिहार में विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो इसके आंसर आपका नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। तो आपका आंसर बी के साथ जाएगा। तो इसके साथ ही ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, और मैं बताना चाह रहा हूँ कि थ्योरी में आप लोगों को कैसे लिखना चाहिए एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक लघु उत्तरीय में किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें, तो आप किन्हीं 3 का ही उत्तर देना है आपको, किन्हीं 3 में प्रश्नों का उत्तर दें। बहुत लड़के होते हैं कि सारे क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है और उससे बहुत सारी गलतियां हो जाती है। तो आप ऐसा ना करें, आप इस सारी चीज़ को ध्यान दें और अच्छे से लिखें। और मैं बताना चाहता हूँ कि संडे को मैथ का एग्ज़ाम मंडे को होगा होने वाला है, लेकिन आप लोगों को मैथ का क्लास मैं लाइव में आप लोगों को लाऊंगा, और इतने अच्छे कंटेंट दूंगा और इससे भी बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाएगा मैट्रिक में, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए, ताकि हम आपको पल पल का इसी तरह ऑब्जेक्टिव एंड आंसर बहुत सारे आपको कंटेंट मिले, ताकि आप एग्ज़ाम में सफल हो सकें। थैंक यू एंड जय हिंद।